बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ, सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉर मशीन के प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको वॉल्यूम्स के मुताबिक बताऊंगा। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपके पास अगर कोई एल शेप के अंदर है, इसी तरह रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ट्रॉपीजोड प्रिज्म्स के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसका वॉल्यूम्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, जैसा कि आपको इस शक्ल के ऊपर सी नज़र आ रहा है, ये तकरीबन सारा इक्वल होता है। इसके अंदर इसकी जो डायमेंशन वगैरह होती हैं, इसकी हाइट वगैरह और इसके सारे आपस में बराबर होते हैं। इस शेप के अंदर ये होता है, इसके अंदर इसकी इसी तरीके से इसकी डायमेंशन हमारे पास विड्थ 30 मीटर होती है, इसके ऊपर 30 है, 50 है, 60 है। इसी तरीके से इसकी जो लेंथ होगी वो अगर 50 मीटर आपके पास और हाइट इसकी 20 मीटर है, तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला आएगा वॉल्यूम्स का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए। तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने लेंथ लिख लेनी है, उसको मल्टीप्लाइड बाई आपने इधर विड्थ के साथ कर देना है और मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देना, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 आप करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 30,000 क्यूबिक मीटर। तो आपने ये इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आपने इसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप की जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपने ऐसी करनी है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसकी शेप आपके सामने इसी तरह ट्रायंगुलर शेप के अंदर होती है, इसकी मुख्तलिफ इसके सिस्टम होते हैं, इसकी ये स्लोप के अंदर होती है मैक्सिमम, और उसके बाद हाइट और इसकी विड्थ अलग अलग होती है। तो ये हमारे पास जो ये सिस्टम जा रहा था उसको हम ए का नाम देंगे, ये हमारे पास 50 मीटर है, बी हमारे पास 30 मीटर है और हाइट इसकी 20 मीटर है। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा वो ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई हाइट होगा। तो वॉल्यूम है 50, ए हमारे पास आ जाएगा 50, उसके बाद हम मल्टीप्लाइड बाई इसको कर देंगे बी के साथ, ये हमारी बी की वैल्यू 30, उसको डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 2, ये करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई आप इसको हाइट के साथ कर देंगे 20 मीटर जितनी भी आपकी हाइट आ रही होगी। तो आपने इज इक्वल टू करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर देंगे, 20 करेंगे तो ये हमारे पास 15,000 क्यूबिक मीटर इस प्रिज्म का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपने ट्रायंगुलर की जो भी शेप होगी उसकी कैलकुलेशन आपने इसी तरह करनी है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रापीजोड प्रिज्म, इसकी शेप आपके सामने इधर इसी तरीके से बनी हुई होती है कि इसके ऊपर वाले शेप हमारे पास अलहदा होती है, इधर नीचे वाली डायमेंशन अलहदा होती है और साइड वाली डायमेंशन इसकी अलहदा आ रही होती है। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन इसकी जा रही होती है इसको हमने ए का नाम देना होता है, ये अगर हमारे पास 50 मीटर है, इसी तरीके से आप नीचे वाली जो विड्थ है बी वन आ जाएगी, ये 30 मीटर हमारे पास आ जाएगी, और इसी तरीके से जो ऊपर वाली विड्थ जा रही है वो 20 मीटर है, ये 30 है, ये 20 है और हाइट इसकी 20 मीटर है। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम बी वन प्लस बी टू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई ए। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, हमने जिससे ले लेना है पहले ए प्लस, उसके अंदर हमने बी की वैल्यू कर देना है और उसको डिवाइडेड बाई हमने टू कर देना है, इधर इसकी डिवाइडेड बाई टू करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई एच है हमारे पास इसी तरीके से, ये 20 मीटर का आपने उसको 20 मीटर के साथ कर देना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू जा रही है, तो आपने इसी तरीके से ए की वैल्यू इधर लगा देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर ये कैलकुलेशन का हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम इसका आ जाएगा इसी तरीके से 25,000 क्यूबिक मीटर। तो आपने इसकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह आपके पास ट्रॉपीजोड प्रिज्म जो भी आपके पास इस टाइप की जो शेप होगी उसकी कैलकुलेशन आपने इसी तरीके से करनी है। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके से आपके पास कुछ एल शेप टाइप की चीज़ें होती है जिसके अंदर आपके पास वर्टिकल और ये स्टेयर टाइप की जो चीज़ होती है, इस टाइप की चीज़ें बनी हुई होती है, आपके पास ऊपर वर्टिकल अलग सिस्टम होता है और नीचे इसके अंदर ये पूरी सीट सी बनी हुई होती है, एल शेप इसको कहलाया जाता है। इसकी जो कैलकुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है, यानी कि नीचे की जो विड्थ है हमारे पास वो ए वन 50 है, ऊपर ए टू हमारे पास 30 मीटर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 30 मीटर और हाइट इसकी 40 मीटर है। तो हमने इसको कैसे करना, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करना है इस तरीके से, जिस तरीके से ये आपके सामने जा रहा है इस शेप के अंदर। आप ये देख रही है हमारे पास 50 है, ए वन ये हमने 50 लगा दिया और
ऊपर ये जो वहाँ पर डायमेंशन आ रही थी 30 मीटर की हमने लगा दी। तो अभी हमने इसकी डायमेंशंस को ऊपर मालूम करना, ये वाली जो डायमेंशंस है इसको हमने इधर मालूम करना। तो A3 आएगा, A1 माइनस A2 आप करेंगे तो ये हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी 30/20, ये हमारे पास ये ऊपर वाली डायमेंशन आ जाएगी। और इसकी हाइट जो आएगी इधर से 40 मीटर आएगी और दूसरी साइड की हाइट हमारे पास इधर 30 मीटर की आ जाएगी। तो इधर से इसी तरीके से इसको आपने 200 में डिवाइड कर देना है ए और बी के ऊपर। तो हमारे पास इसका सबसे पहले आपने एरिया निकालना है। तो ए हमारे पास है 50 और इधर आप ये देख रहे हो सेक्शन के ऊपर ए हम एरिया आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई H2। तो A1 हमारे पास है 50 और इधर इसी तरीके से हमारे पास इसकी जो H2 है, H2 हमारे पास इधर 30 मीटर आई थी। तो आप इसको मल्टीप्लाइड कर देना, तो आपने इक्वल टू करेंगे तो ये हमारे पास ए का जो एरिया आ जाएगा 1500 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से आपने ऊपर बी का एरिया इसके बाद कैलकुलेट करना है। बी की डायमेंशंस भी आपके सामने इधर आई हुई होंगी सारी। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन बी का फार्मूला होगा A3 मल्टीप्लाइड बाई H3। तो A3 हमारे पास 20 है, 20 मल्टीप्लाइड बाई H3 हमारे पास आया था 10 मीटर। तो आपने उसको 10 मीटर के साथ करके और इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है स्क्वायर मीटर के अंदर। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 200 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से ये दोनों एरिया इधर कैलकुलेट कर लेने। एरिया ए हमारे पास आया था 1500 और बी आया था 2200। तो आपने इधर से एरिया ए और ये एरिया बी दोनों को आपने आपस में प्लस कर लेना है। 1500 प्लस 200 आप इक्वल टू करेंगे तो 1700 हमारे पास आ जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो ये इस तरीके से इसका एरिया आ जाएगा इधर हमारे पास एरिया ए और एरिया बी। तो ये टोटल एरिया हमारे पास बन गया 1700 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर एरिया आपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने इधर ये हमारे पास आ जाएगा इस शेप के अंदर ये एरिया आ जाएगा। इधर से आप ये देख रहे हैं इस शेप का पूरा एरिया आ गया। अभी आपने उसको मल्टीप्लाइड बाई कर देना है इस बी के साथ जो हमारे पास उसकी लेंथ जा रही होगी। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया था हमारे पास 1700 आपने मल्टीप्लाइड बाई कर देना है इसके साथ बी के साथ। तो ये हमारे पास टोटल इसका वॉल्यूम आ जाएगा एल शेप का। तो आपके पास हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1300। आपने इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है जो भी एल शेप आ रही होगी। तो इसकी वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ 3-4 किस्म की चीज़ों के मुतालिक बताया कि आप उसके एरियाज वगैरह को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो के स्क्रीन शॉट ले लेना है इनके फार्मूला का और इसके स्नैप्स वगैरह का और उसकी मदद से आप अपने एरियाज वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।